easy go. यार भाई मैंने चौथी बार ये कैमरा चालू किया, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा वीडियो शुरू कैसे करें। वन मंथ अगो कभी लिखा नहीं है मेरे इस यूट्यूब अकाउंट में, वन मंथ हो चुका है वीडियो डाले। बट एनी वे यार, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सात बहुत ही तगड़ी जुगाड़ू इंस्टाग्राम ट्रिक्स जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अपने इंस्टाग्राम के अंदर। तो जो भी मेरे मित्र और मित्रियाँ इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखते रहो, और आप मेरा पीछा भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बट पहले ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा जुगाड़, वो है कि आप कैसे जो इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी देखते हैं लोगों की, उसमें जो व्यूज़ की लिस्ट आती है उसमें कैसे आपका नाम ना जाए और आप स्टोरी देख भी लो सामने वाले बंदे या बंदी की, वो आप कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में इतना दिमाग लगाते नहीं। बहुत सिंपल है, आप अपना इंस्टाग्राम का होम पेज लोड करोगे, जो सारी स्टोरीज हैं वो भी लोड हो जाती हैं, उसके बाद अपना वाईफाई या मोबाइल डेटा जो भी यूज़ कर रहे हो इंटरनेट बंद करो और स्टोरी को चलाओ, देखो, इंस्टाग्राम को बंद कर दो, रीसेंट ऐप से हटा दो, वापस से खोलो वाईफाई वगैरह जो भी है, फिर इंस्टाग्राम चलाओ बढ़िया आराम से। जिसकी भी आपने स्टोरी देखी है उसको व्यू नहीं जाएगा कि आपने उसकी स्टोरी देख ली। ये बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है इसके बारे में, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी अगर इससे आपका काम नहीं बनता तो एक साइट है instaview.me करके, उस पर जाके आप उस बंदे का यूजर नेम डाल दो और फिर जो भी उसकी स्टोरी है वो आपके सामने आ जाएगी, वहां से आप उसको देख भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कोई ट्रिक नहीं है ना ही कोई जुगाड़ है, वो एक बात है जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुमको ना पता हो, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ महीने पहले ही पता लगा है। और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है, क्योंकि ये प्रूव भी हुआ है, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है इंस्टाग्राम के बारे में। जैसे हम स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसमें जो व्यूज़ की जो लिस्ट आती है जिसमें लिखा आता है कि किस किसने आपकी स्टोरी को देखा है, तो वो किस हिसाब से उसकी ऑर्डरिंग होती है, किस हिसाब से मतलब वो पेश की जाती है हमारे सामने। देखो, अगर उस पर 50 व्यूज़ हैं, जहाँ तक मैंने पता किया है कोरा पे, रेडिट पे, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 50 अगर आपकी व्यूज़ हैं उससे नीचे, तो वो उस हिसाब से होता है कि भाई पहले किसने देखा और बाद में किसने देखा, तो वो सिंपल है। बट 50 व्यूज़ के बाद 60, 70, 80, 90, 100 पे वो जो है अपनी एल्गोरिथम यूज करता है इंस्टाग्राम, अपनी मशीन लर्निंग यूज करता है। और इसमें सबसे जो मेजर पॉइंट, जो कई मतलब जगहों पे लिखा, आप सर्च कर सकते हो, कि अगर जो टॉप पे 3 बंदे आपके आते हैं स्टोरी की व्यू लिस्ट में, वो वही लोग होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, मतलब जो स्टॉक करते हैं आपकी प्रोफाइल को, बार बार आपने जो फोटो डाली हुई है, पोस्ट डाली हुई है, वो बार बार आके देखते हैं, या फिर आपका नाम सर्च बार में डालते हैं बार बार। तो वही लोग ऊपर के 3-4 जो होते हैं वो वही होते हैं जो आपको ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो अगर आपका क्रश उसमें ऊपर आता है कई बार या बार बार, तो चांसेस हैं कि आप भी उसका क्रश हो। और अब समय आ चुका है इजहार करने का, अगर आपकी सेटिंग हो जाती है अब मतलब बात करने से, तो आप ये वीडियो को 50 लोगों को शेयर कर देना एज अ गुरु दक्षिणा। अच्छा, अगला, आप जो इंस्टाग्राम पे डीएम है, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा यूज करने लग गए हैं लोग, मतलब वहाँ पे मीम्स वगैरह शेयर करते रहते हैं या फिर बातें भी करते रहते हैं, क्योंकि वो एकदम व्हाट्सएप के जैसे ही, वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, फोटोज वीडियोस भेज सकते हो, ऑडियो मैसेज भी आप भेज सकते हो, तो लोग उस पर बातें करने के लिए यूज करते हैं। बट वहाँ पे एक ऐसा यंत्र है, मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जिसका लोग कई बार मिसयूज कर लेते हैं, मतलब हम भी करते हैं मिसयूज, पर जब कोई और करता है तो अच्छा नहीं लगता कि भाई ये क्यों कर रहा है। तो उसका एक सोल्यूशन है, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो मैसेज हम अनसेंड कर सकते हैं वो इंस्टाग्राम पे, तो अनसेंड हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 30-40 मिनट के बाद जो है वो डिलीट फॉर एवरीवन नहीं होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे मतलब चाहे वो एक साल सालों पुराना कोई मैसेज हो, उसको आप जाके होल्ड करके उसको अनसेंड कर सकते हो। तो इससे कई बार क्या दिक्कतें हो जाती है, मतलब कोई बंदा है कुछ ऐसी बात बोल देता है मैसेज पे, फिर उसके बाद डिलीट कर देता है, मैंने तो कभी बोली नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा, एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वो आप इंस्टॉल करके रख सकते हो अपने फोन के अंदर, पीछे वो अपने आप काम करती रहेगी ऑटोमेटिकली, जो भी मैसेज आपको आते रहेंगे वो उनके नाम और डीपी के साथ साथ मतलब सेव करती रहेगी ऐप के अंदर कि उसने क्या बोला था। उसके बाद चाहे कोई भी बंदा अपना मैसेज अनसेंड कर ले या फिर वो अपना अकाउंट ही भाई क्यों डिलीट ना कर ले, जो मैसेज उसने भेजा है ऐप के अंदर एक बार आ गया तो वो वहीं पर रहेगा आपके पास। और इसमें एक फायदा और भी है कि आप ऐप के अंदर से, इसी ऐप के अंदर से मैसेज को पढ़ सकते हो, तो सामने वाले को पता भी लगेगा कि आपने मैसेज पढ़ लिया, उसको सीन मतलब सीन नहीं लिखाएगा उसके वहां पे। तो दो फायदे हैं, एक तो आप बिना पता लगाए मैसेज पढ़ सकते हो, और दूसरा चाहे वो कोई भी मैसेज अनसेंड करे आपकी झोली में से मैसेज जाएगा नहीं। अच्छा, अब ये वाला भी काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। इसमें जैसे हम जैसे कोई स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कई बार ऐसी कोई स्टोरी होती है जो हम चाहते हैं कि भाई ये बंदा या ये बंदी आपकी ज़रूर इसको मतलब देखे, पर आप श्योर नहीं हो कि वो देखेगी क्योंकि वो आपकी स्टोरी देखता है या देखती नहीं है, तो आप चाहते हो कि वो ज़रूर देखे। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, मान लो आपने कोई फ़ोटो डाल ली है अपनी नई बंदी या बंदे के साथ में, और आपको अपना जो एक्स है उसको दिखाना चाहते हो ताकि वो जल भुन जाए, पर वो देखता नहीं है, तो आप कैसे उसको दिखा सकते हो, ना चाहते हुए भी उसको देखनी पड़ेगी। ये
वैसे तो थोड़ा सा बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि उससे मतलब उस मज़ा आएगा। तो जैसे आपने कोई स्टोरी डाली है जिसके साथ भी, उस स्टोरी पे आपको जिसको भी वो दिखाना है उसको आप उसका यूज़र नेम आप टैग कर सकते हो, मतलब एट नमन छाबड़ा अंडरस्कोर जो भी है, मैं आपका एक्स नहीं हूँ बट फिर भी आप जिसको भी टैग करना है उसको कर सकते हो। उसके बाद आप उसको जो है उसका साइज़ बहुत ही छोटा कर दो या फिर उसके ऊपर कोई जिफ पटक दो कि वो दिखाई ना दे। तो उससे क्या होगा, जिसको भी आपने टैग किया उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ भाई तू इस स्टोरी में टैग हुआ है, और उसके बाद तो वो डेफिनेटली उसको देखेगा। लेकिन जब वो देखेगा तो उसमें उसको उसका जो यूज़र नेम है वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपने उसको छुपा दिया या बहुत ही छोटा कर दिया, तो अब उसको लगेगा कि कोई बग है, मतलब ऐसी नोटिफिकेशन आ गई होगी। बट अब कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अपना काम हो चुका है, जनता स्टोरी उसने देख ली है, शायद वो जल भी गया हो या जल गई हो आपका सहेला या सहेली। और इसका एक और यूज़ भी है अच्छा वाला, मान लो जैसे आपको बहुत सारे लोगों को व्यूज़ चाहिए आपको, तो आप 15, 16, 20, 25 यूज़र नेम आप उस पर लिख सकते हो, या फिर आप हैशटैग लिख सकते हो 20-30, तो उससे आपकी जो स्टोरी है वो उस हैशटैग में आ जाएगी, तो आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। मतलब ये एक तरीका है अपनी एक स्टोरी को किसी को ज़्यादा लोगों को दिखाने का, इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं, अपने हिसाब से आप जो मन चाहे कर सकते हो। अच्छा अगला भी काफ़ी अच्छा जो ट्रिक है, बहुत ही जो गाड़ू सी है, वो भी आपको डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। मैं पर्सनली अपनी स्टोरीज में यूज़ करता हूँ, तो जैसे हम स्टोरी में कोई फोटो या कुछ भी डालते हैं तो उस पर हम टेक्स्ट पटकते हैं, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं। अगर आपको उस टेक्स्ट में शेडो डालना है या फिर कोई 3D इफेक्ट देना है तो ये कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, 2 मिनट का काम है। जैसे कोई भी टेक्स्ट है, मान लो आपको लिखना है हेलो या फेलो, जो भी आपको लिखना है आप वो लिखोगे, पहले कोई ऐसे कलर में लिखो डार्क सा, जैसे ब्लैक हो गया या फिर रेड हो गया, थोड़ा डार्क लगता है, तो उसमें आप पहले लिखो हेलो, उसके बाद उसको रख दो जहाँ रखना है, फिर वापस से सेम फॉन्ट में सेम स्टाइल में हेलो को वापस से लिखो, इस बार कोई अलग कलर चूज करो, और उस वाले हेलो को पुराने वाले हेलो पे यानी पुराने वाले टेक्स्ट के ऊपर रख दो थोड़ा सा छोटा करके, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब पीछे से जो है वो रेड या ब्लैक सी यू नो शेडो निकल रही है, तो वो थोड़ा सा देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, और लगता है कि भाई इसने कैसे किया हुआ, तो आप उसे बता देना कैसे किया, या फिर ये वीडियो शेयर कर देना, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। अब यार लास्ट में हम बात करते हैं कैसे जो इंस्टाग्राम है, ऑफिशियल इंस्टाग्राम, उसके अंदर हम कैसे कालापन लेके आ सकते हैं, यानी कि डार्क मोड लेके आ सकते हैं, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कुने खुद बनाया है अपनी रसोई में, प्ले स्टोर पे है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर डार्क मोड आ चुका है। लेकिन अभी सीन ऐसा नहीं है कि आप उसको सेटिंग में जाकर स्विच कर पाओ लाइट और डार्क के बीच में, अभी अगर आपको उसके अंदर डार्क मोड यूज़ करना है तो आपके फ़ोन के अंदर भी डार्क मोड होना ज़रूरी है, और अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 10 वाला है या 9 वाला है, जैसे ये OnePlus 7T के अंदर एंड्रॉयड 10 है, तो इसमें डार्क मोड आता है ऊपर नोटिफिकेशन बार में, तो जैसे ही मैं इसमें डार्क मोड इनेबल करता हूँ मेरा जो इंस्टाग्राम है वो भी डार्क हो जाता है। पर अब मान लो आपके पास में जो फ़ोन है उसमें 10 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, एंड्रॉयड 6 है, 7 है या फिर 8 है, 5 है तो भूल जाओ, तो एक ऐप है प्ले स्टोर पे, वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसका नाम भी डार्क मोड ही है, वो आप इंस्टॉल करो, उससे अगर आपके फ़ोन के अंदर डार्क मोड आ जाता है, ठीक है, मतलब डार्क मोड चल जाता है, तो आपका इंस्टाग्राम भी जो है वो डार्क हो जाएगा। पर वो ऐप जो है वो हर फोन के अंदर काम नहीं करती, बहुत ही कम के अंदर काम करती है, अगर आपके फ़ोन के अंदर काम नहीं करती है तो आप अभी तो जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है उसके अंदर डार्क मोड यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर वो जो GB इंस्टाग्राम, OG इंस्टाग्राम, OG AG LOG SunOG इंस्टाग्राम आते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पर वो सिक्योर नहीं है तो मैं वो इंस्टॉल करने को बोलूँगा नहीं। बाकी तो यही था यार आज का वीडियो, बहुत ही ऐसी मतलब जल्दी बनाया क्योंकि मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता है मैं जो बोल रहा हूँ ना मेरे को इधर मेरे कान से बाहर आ रही है वॉस, पता नहीं क्यों सिस्टम में शायद कोई प्रॉब्लम है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया थोड़ा बहुत भी तो प्लीज़ यार नीचे लाइक फेंक देना, कमेंट छोड़ देना, शेयर कर देना अपने इंस्टाग्राम वाले सहेली और सहेलों के साथ में। बाकी अगला वीडियो मैं अभी बनाना शुरू कर दूंगा, फिर देखते हैं लेट कैसे होता है, चलता हूँ यार, बाय।